तो बच्चों करेंगे 15 क्वेश्चन। और ये कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे एक पॉइंट है पी जो कि ग्राउंड में है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग इज, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पे एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक है, बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ से इसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन लग रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा है कि भाई हेलीकॉप्टर ओवर रिंगिंग ओवर द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड। तो देखो बच्चों यहाँ पे बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, तो देखो मैं अलग अलग करता हूँ। यहाँ पे देखो एक पॉइंट पी है और ये बिल्डिंग है 10 मीटर की, ठीक है, यहाँ पे कितना थीटा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और फिर मैं एक और करता हूँ, देखो यहाँ पे एक और, यहाँ पे 10 मीटर की यहीं पे है, यहीं पे एक पॉइंट पी है, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, मैं कंबाइन करूँगा इनको अभी ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर है जो कि इसके बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहा है, और यहाँ से हेलीकॉप्टर से ना दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे, ठीक है, एक तो यहाँ इसके इसके बिल्डिंग के टॉप से बन रहा है और एक हेलीकॉप्टर से बन रहा है, तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं बच्चों इस पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे अगर एक टावर है, अगर वो यहाँ देख रहा है तो ऑब्वियसली बात है 30 डिग्री देख रहा होगा, और अगर ये थोड़ा ऊपर देख रहा है तो इसको अपना सिर ऊपर करना पड़ेगा, मतलब एंगल बढ़ेगा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 60 नहीं होगा, ये पूरा 60 होगा। तो देखो पहले वाले केस में तो सिर्फ यही वाला 30 है, दूसरे वाले केस में ना ये पूरा कितना है 60 है, पूरा 60 है, ठीक है, ये आधा 60 नहीं है, ये पूरा 60 है, ठीक है। तो देखिए बस ये दोनों, अब इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 30 था और ये वाला पूरा 60 है, ये पूरा एंगल 60 है, ठीक है, उस पर ये दोनों इंक्लूड हो जाता, ठीक है। तो देखिए अब इसको करते हैं सॉल्व, इसको मेरे ख्याल से नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ मैं, चलो पहले मैं इसी को कर लेता हूँ, ठीक है। तो देख ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसकी मैं इसका यहाँ से बेस निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, बेस, ठीक है। तो देखिए इस वाले केस में, पहले वाले केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर बेस निकाल सकता हूँ। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, परपेंडिकुलर और बेस 10, तो 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है मेरे पे बच्चों 10, बेस है मेरे पे, बेस ही लिख लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं है। और 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1/√3, ठीक है, इक्वल टू 10/बेस, इसको मैं इधर फेंकूंगा, इसको इधर फेंकूंगा, तो बेस कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पे, बेस हो जाएगा 10√3, बेस कितना आ गया मेरे पे, तो इसका भी बेस अगर ये है तो ऑब्वियसली बात ही है इसी के अंदर तो है, तो बेस यहाँ भी इसका बेस कितना आ गया 10√3। अब मुझे क्या निकालना, हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर, हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर मतलब हेलीकॉप्टर यहाँ पे, तो इसकी ये हाइट, ये मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, मुझे सिर्फ यही निकालनी है बच्चों, बस अब ये निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पूरा 60 हो जाएगा, तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यहाँ से अगर मैं तीर मारता हूँ तो ये दोनों ही आएंगे ना परपेंडिकुलर में, तो x+10/बेस है मेरे पे 10√3, और 10 60 कितना होता है बच्चों, 10 60 होता है √3 इक्वल्स टू x+10/10√3। इस पूरे को मैं उठा के इधर फेंक देता हूँ, तो देखिए नेक्स्ट पेज में इसको मैं कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, तो ये हो जाएगा √3 × 10√3 इक्वल्स टू x+10, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा 10 × √3 × √3 हो जाएगा 3 इक्वल्स टू x+10, ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू x+10, ये +10 इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो हेलीकॉप्टर की हाइट है वो कितनी होगी बच्चों, हाइट, अब हेलीकॉप्टर यहाँ से और हेलीकॉप्टर की हाइट होगी कितनी बच्चों, यहाँ से हेलीकॉप्टर की हाइट होगी 20 मीटर। अब बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हेलीकॉप्टर की हाइट कितनी है, तो बच्चों देखो 10+20 मतलब 30 मीटर हो गए, तो बस, तो हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर हो गई हमारी परपेंडिकुलर प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10+20, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। सिंपल है बच्चों, ये तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है, 30 मीटर इज द आंसर। तो नेक्स्ट करते हैं।